नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज। मैं हूँ शिवानी। गाइस, वेलकम नई दिल्ली इंडिया से हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल, कपल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो हमारी पुरानी वीडियो से रिलेटेड है। मतलब कि कोई जापान का पर्सन है, वो भी आपको उर्दू में या हिंदी में बात करके शॉक करने सरप्राइज वाले करेगा। हैं। यस, तो वीडियो का नाम है सरप्राइज पाकिस्तानी टूरिस्ट बाय हिंदी एंड उर्दू इन जापान, और इनके चैनल का नाम है वायोलिनिस्ट कोही कोही कोही। आजकल काफी हो रहा है। मतलब बाहर के जो बंदे होते हैं ना, वो मतलब हमारी फिर हो लोकल रहा लैंग्वेज हिंदी उर्दू सीख के ना हम ही को सरप्राइज कर रहे है। होते हैं। हाँ, जबकि हमें करना चाहिए। हम तो करते हैं इंग्लिश बोल के, उनको सरप्राइज था। वो उन्हें पता इंग्लिश, तो अरे नहीं, वो भी सरप्राइज होते उन्हें हैं। पता होता है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश तो है ही। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट देखते करते हैं। हैं। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल सो ऐसा ऑल
जो इंडिया में सब्सक्राइब कर देना, उनका भी कर देना, हमारा भी कर देना। जो इंडिया में साउथ इंडियन जो होते हैं ना, वो थोड़ी इस टोन में बोलते हैं, वो मलयालम तेलुगु, हाँ वो उसकी टोन जैसे ये भाई बोल रहा था ना, वैसी टोन है, वैसी टोन, मतलब वैसी टोन बोलने का टोन वही सेम। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो, हमारा चैनल है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कैसा लगा ना? बढ़िया था बहुत अच्छा। जब खासतौर पे जब उन्होंने बोला कि तो कुछ हिंदी में जैसे स्टार्ट किया तो अच्छा। शॉक्ड हो गए है ना। और ये इतनी सही बात बताई कि हिंदी और उर्दू मोस्टली सेम लैंग्वेजेस हैं, कुछ ही वर्ड्स हैं जो अलग अलग, जैसे एग्जांपल दिया भाषा और जुबान, जुबान जबान जबान जबान। और क्या क्या होता है, बहुत होते हैं, नदी दरिया हैं और भी बहुत यार। हम बताऊँ क्या, हम अपने ना डेली लाइफ में ना, हम जो भी बात करते हैं ना, इसमें हिंदी उर्दू मिक्स होती है। अच्छा। हम जब तक हमें समझ आ रही है हम कह रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं हम, और बीच में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो उर्दू के यूज कर लेते हैं हम लोग। आसमां, आसमान, ये मेरे को लगता है हिंदी वर्ड, आसमान उर्दू वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हम यूज करते हैं पता भी नहीं होता, सेम दोनों लैंग्वेज में सेम ऐसा ही है। और ये बहुत बड़ी बात है, जापान का बंदा, जापान, इसका मैं थोड़ा बताऊंगा, ये जापान का बंदा है और ये 4 साल से इंडिया में, खासकर मुंबई में रह रहा है। अच्छा। हाँ, तो दिल्ली में भी विजिट किया था इसने, दिल्ली और वहां भी किया, तो लोगों को सरप्राइज करता है एकदम, मतलब पहले इंग्लिश बोलते बोलते अचानक हिंदी में बात करना शुरू कर देगा सरप्राइज से एकदम। हाँ, वो आज खुद भी सरप्राइज हो गया कि हिंदी और उर्दू सेम सेम लैंग्वेजेस हैं ज्यादातर ना। गाइस, जापान का आपको बताओ मैं, जापान का ना कल्चर बहुत ही बढ़िया कल्चर है, मतलब वीडियो में देख ही रहोगे आप, इतना एक तो लोग बहुत अच्छे हैं, काफी फ्रेंडली लोग हैं, सफाई मैं कह रहा हूँ, इस ऐसी सफाई ना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकती जहाँ जितनी जापान में है। मैंने एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें क्या होता है, उसमें ना आपको अपने आप से होता है, मतलब कोई ड्यूटी नहीं देता कि आपको करना है क्या नहीं करना। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपका काम 8 घंटे की आपकी जो हो है, अगर शिफ्ट है तो आपका काम अगर 7.5 घंटे में हो गया तो जो आधा घंटा ना आप चुपचाप जाओ, सामान उठाओ और सफाई करना शुरू कर दो, ऐसा होता है उधर। और अच्छा, अपने आप से होता है, कोई बोलता नहीं है, और इतना हाल होता है कि लोगों को ना चीजें साफ करने के लिए मिलती नहीं है, इतनी सफाई है, और वो दरारें ढूंढते हैं, दो जॉइंट के अंदर जो दरारें होती हैं वो ढूंढते हैं, उसमें जाके सफाई करते हैं। ये हालत सच बता रहा हूँ मैं। अरे वहाँ के स्कूल्स में भी बच्चों की पढ़ाई से पहले ये स्टार्टिंग होती है। हाँ। वो अपनी बेंचेस, क्लासरूम, हाँ, ये सब सफाई करते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्कूल में ये होता है। शुरू के 3 साल तो कोई पेपर पर कुछ नहीं होते, शुरू के 3 साल उनको सिर्फ सिखाया जाता है कि आपने लोगों से बात कैसे करनी है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सफाई। उनके घर में, उनके स्कूलों में एक भी क्या कह सकते हैं, कोई भी सफाई वाला कोई नहीं होता, बच्चे कर रहे होते हैं, कैन यू बिलीव इट, बच्चे काम बच्चे कर रहे होते हैं, वो खाना खुद परोसते हैं और सफाई वफाई सब कुछ करते हैं। और पता है वर्क कल्चर कैसा जापान का, सबसे पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है वर्क कल्चर। अगर आपका शिफ्ट सपोज 10 से 6 बजे का है, ठीक है, तो 10 बजे का है तो बंदे 9:30 बजे तक आ जाते हैं। अगर 10 बजे का शिफ्ट है और आप 10 बजे आ रहे हो, उस दिन आपका लास्ट डे होगा उस कंपनी में, ऐसा है उधर। जो आपका टाइम है उससे आधा घंटे पहले आपने आना है, और अगर कोई मैनेजर है तो वो 1 घंटा पहले आएगा। जिसका रैंक छोटा है वो 15 मिनट या आधा घंटा पहले आएगा, जिसका रैंक बड़ा है वो 1 घंटे पहले आएगा, और ऑफ होने के भी 1 घंटे बाद जाएगा। ये तो बहुत सही है, ऑफ होने के भी आधा 1 घंटे बाद जाते हैं। यहाँ पर उल्टा होता है, मैनेजर्स और जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, हाँ ये उल्टा होता है, वो उल्टा ये लेट आते हैं, लेट आते हैं। ये चीज बेस्ट है कि जापान की, मतलब वो 1 घंटा पहले आ रहे हैं और 1 घंटा बाद जा रहे हैं। यहाँ तो ये है कि लेट आने के बाद जल्दी जा रहे हैं, हम जैसे बंदे जल्दी जाते हैं और लेट आते हैं, वो लेट आने में जल्दी जाते हैं। सही कहा। कल्चर अच्छा यार, बहुत अच्छा कल्चर है, पूरे वर्ल्ड में माना हुआ है जापान का कल्चर, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, कि मतलब कौन पहले आता है, कौन जल्दी जाता है, समथिंग लाइक। और सफाई तो हमने खैर देख ली, बहुत साफ है पाकिस्तान, सारी रोड्स वगैरह, अभी भी उम्मीद है और अच्छे होने की उम्मीद है। सेम इंडिया में भी, इंडिया में तो खैर बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि बहुत ही। तो बताइएगा हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी भी टोन में सी हो गई, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।